कासगंज जनपद की कोतवाली अमानपुर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को मौके से असलाह बनाते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 10 तमंचे व कई अधबने तमंचे सहित तमंचे बनाने के भारी संख्या में उपकरण बरामद किए हैं। कासगंज जनपद के पुलिस अधीक्षक रोहन पी भोत्रे के निर्देश पर जनपद में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालकों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत आज कासगंज जनपद में अमानपुर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के गांव बरसोड़ा से अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाते एक शातिर आरोपी प्रेमपाल को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं पुलिस ने मौके से 10 बने हुए तमंचे व अधबने तमंचों के साथ तमंचों को बनाने के भारी संख्या में उपकरण बरामद किए हैं। प्रेस वार्ता कर SP कासगंज ने बताया, क्या पूरा मामला है? मेरे द्वारा लगातार 30 से 35 दिनों से अवैध शराब और अवैध असलाओं के ऊपर लगातार हम लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है। टीमों का गठन करके पहले भी अवैध शराब और अवैध शस्त्र की फैक्ट्रीज बरामद हुई है और उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की गई है। कल अमापुर थाने में इंस्पेक्टर अमापुर और अन्य लोगों के द्वारा एक अवैध शस्त्र की फैक्ट्री बरामद की है, जिसमें 10 अवैध तमंचे, कुछ कारतूस और सामान जो है तमंचे बनाने वाला वहाँ पे बरामद हुआ है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी इसमें की है, अन्य इसमें जो भी व्यक्ति है उनकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इन्वेस्टिगेशन का रहेगा वो इन लोगों ने किन किन लोगों को असला सप्लाई किए हैं, कहाँ कहाँ सप्लाई किए हैं, उनकी भी हमारे द्वारा गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें गैंगस्टर का मुकदमा भी बाद में पंजीकृत किया जाएगा। कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव को लेकर तैयारियां तो नहीं चल रही लोग? देखिए, इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मेरा काम है अवैध शस्त्र की फैक्ट्रीज को पकड़ना, वो मेरे द्वारा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।